वही टाइम में मेरी उम्र कुछ 13 साल की थी 87 में, और मुझे इतना गुस्सा आया कि फिल्म फेयर अवार्ड वो साल में बंद कर दिया गया। क्यों ये ऐसी क्यों बात करे भाई, ये धर्म जी का अवार्ड में, ये फिल्म में, ये फिल्म फेयर में तो हकदार थे धर्म जी, तो उनसे पहले पूल और बहुत से ज़्यादा ये अवार्ड है हमद अबू धाबी से जो मिलने आया है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है, ये मिल रहा है मुझे जहाँ भी जाता हूँ। जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी फिल्में जा रही हैं वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे लोग कांटेक्ट करते हैं तो खुशी होती है। मुझे तो मालूम भी नहीं था इंस्टाग्राम क्या होता है, ट्वीट क्या होता है। ये तो इस फिल्म की रिलीज से पहले लोगों ने कहा धर्मेंद्र ये ट्वीट करो, ये प्रमोशन होती है, ये होता है, वो होता है, तो मैंने शुरू कर दिया। तो फिर ट्वीट और इंस्टाग्राम के ज़रिए लोग जुड़ने लगे तो मुझे ऐसे लगा ये मेरी फैमिली हैं और उनको मैं उसी प्यार से जवाब देता हूँ, और जहाँ पर जहाँ तक मन पड़ता है सबको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बट आई लव देम मोस्ट, दे आर सो स्वीट। ऐसे एक्टर है जो 50 सोलो हिट्स अपने बलबूते में फिल्म को बनाए, आपके बाद शायद अमिताभ 37, राजेश खन्ना 27, दिलीप कुमार साहब ने 20 मूवीज सोलो हिट में, अलग ने सोलो हिट, आप वन एंड ओनली काम करते थे। या वन एंड ओनली एंड ये जो बात मैंने जब मैं चौंक गया, मैं तो पहले से पता है मुझे आपको आपके बारे में, लेकिन ये बात फिल्म इंडिया में तो इतना ज़्यादा मैंने देखा नहीं, बस हम सब अरब लोग ने हिसाब किताब करके ये देखा। आपकी क्या तवज्जो इस पर? मीडिया का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको जो काम जिस तरह ढंग से वो करते हैं वो आपको मालूम ही है, और मुझे ख़ुद नहीं मालूम कि मैंने बड़ी हिट फिल्में दी हैं, ये किया वो किया, मैं करता हूँ भूल जाता हूँ, अब आगे क्या करना है वो सोचता हूँ। 60 साल के करीब हो चले मुझे आए हुए, तो मुझे यकीन नहीं होता मैं फिल्मों में आया हूँ। कभी कभी सोचता हूँ यार मैं एक्टर बना हूँ, मैंने सचमुच इतनी फिल्में की हैं, लोग मुझे इतना चाहते हैं, फिर यकीन करना पड़ता है कि नहीं यार लोग चाहते ही हैं। वो रूह को पता चल जाता है, महसूस कर लेते हैं कि धर्म तेरी ये चाहत बहुत बड़ा इनाम है, बहुत मुकद्दर वाले हो तुम धर्मेंद्र, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और मुझे लगता है कि मैं ये इज्जत ये प्यार पाने में सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ, सब चाहते हैं मुझे और मैं सबको चाहता हूँ। मैं किसी को दुखी देख ही नहीं सकता, कोई ज़रा दुखी दिख जाए तो मैं तड़प उठता हूँ। मैं कब तक किसी को जो खुशी दे सकता हूँ हमेशा खुशियाँ देता हूँ, तो शायद इसीलिए लोगों को मुझसे प्यार है। और क्या सही बात,